हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा दंगल के डिटेल्ड रिव्यू के बारे में। जैसे कि हमेशा मैं आपको कहता हूं, मैं फिल्म देखने के बाद अलग से डिटेल्ड रिव्यू करता हूं, जो थोड़ा वक्त चला जाता है शायद उसमें, लेकिन मैं वापस से आपको बताता हूं पूरी फिल्म के बारे में। इसके पहले मैंने आपको गुरुवार को ही बता दिया था जब रिव्यूज आ गए थे दंगल के कि किस तरह मूवी रही थी, जहां पर जो रिस्पॉन्स आया था 4 से 4.5 स्टार तक लगभग सभी लोगों ने दिया था, क्रिटिक्स ने दिया था। आज मैं अपना पूरा रिस्पॉन्स बताऊंगा पूरी फिल्म को लेकर, क्रिटिक्स के हिसाब से जो क्रिटिक्स ने दिया वो कितना सही है वो भी बताऊंगा, और किस तरह से ये पूरी फिल्म चल रही है। मैंने देखी है फिल्म, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया लगी मुझे तो। हाल ही में मैंने फिल्म देखी और ये फिल्म से मुझे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस साल की द बेस्ट फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं बोल सकता हूँ, द बेस्ट फिल्म है। उसका रीजंस मैं बताऊंगा एक के बाद एक करके। पहले तो बता दीजिए उसके स्टार कास्ट, उसके बारे में स्टार कास्ट, आमिर खान महावीर सिंह पोखर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी रियल टाइम रेसलर है। दूसरा जो रोल प्ले कर रही है फातिमा सनाशेख, वो गीता पोखर का रोल प्ले कर रही है। और जो तीसरी जो बंदी है यानी कि सान्या मल्होत्रा रोल प्ले कर रही है बबीता कुमारी का। अब जो यंगर वर्जन में अगर आ जाए, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उसमें जाहिदा वसीम है, बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, छोटी सी बच्ची है, वो प्ले कर रही है रोल यंग वर्जन ऑफ गीता पोखर। और उसके अलावा सुहानी भटनागर है जो बबीता का रोल प्ले कर रही है छोटे वर्जन में। बबीता बहुत क्यूट है, बचपन का जो उनका लुक है बहुत क्यूट रहती है। और कहीं ना कहीं ये मैंने स्टारकास्ट के बारे में बात कर दी, और कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें और इस फिल्म से जो जुड़ी, ज़्यादा कास्ट नहीं है लेकिन जितने भी कास्ट है बहुत इफेक्टिव, बहुत जेन्यून है। आपको इस ये फिल्म देख के ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप ये फिल्म से आपका मन हट गया हो, राइट। 2 मिनट 21 सेकेंड की दो घंटा 21 मिनट की जो फिल्म है, हर एक सेकेंड आपको जोड़े रखती है। और ये फिल्म सिर्फ सिंपल सा एक जो हमारा रहता है ना, जो सिंपल एक हमारा सपना होता है, वो सपने को पैदा करना, उसे एक जैसे पौधा लगाना, उस सपने को जब बन जाता है, वो एक झाड़ बन जाता है, पेड़ बन जाता है, उसे फल आना, वहां तक जो एक सपना होता है ना, एक मेडल लाना, वो जर्नी पूरी दिखाई है गीता और बबीता के जरिए। और कहीं ना कहीं ये जर्नी में आप रोगे कई बार, बिल्कुल रोगे, क्योंकि मैंने भी कई बार रोया। और आखिरी मोमेंट पर आपको प्राउड फील होगा ये फिल्म पर, और वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बेसिक जरूर बता दूंगा। सभी ने ज्यादातर नहीं देखी होगी क्योंकि ऑलरेडी एक ही दिन हुआ है लगभग, लेकिन जिन्होंने देखी होगी वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं पूरी फिल्म रिवील नहीं करूंगा, वैसे भी रिवील करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक बायोपिक फिल्म है ये, लेकिन कुछ चीजें इस फिल्म में ऐसी भी है जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है, तभी तो मैं मतलब कह रहा हूँ कि ये फिल्म एक जो टॉप फिल्म क्यों है इस साल की। सबसे पहले जो आमिर खान का रोल है वो वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ। मैंने उनकी कई फिल्में देखी है, हर एक फिल्म में अच्छा रोल करते हैं, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये रोल के लिए जो आमिर खान ने अपना वजन बढ़ाया है, मतलब सैल्यूट है उनको, मतलब बहुत बढ़िया मेहनत करके उन्होंने वेट कम भी किया था, वेट बढ़ाया भी था, वेट बढ़ाया, मतलब कहीं से लग ही नहीं थे कि वो आमिर खान है। प्रॉपर एकदम रोल में महावीर सिंह पोखर के एक पूरे चेंज हो गए, तो उनके ही रूप में लग रहे थे। और जो उनका अंदर ही अंदर मन में था एक सपना था कि वो जीत नहीं पाए, एक मजाक देते हैं जब आप कुछ सपना सपने के पीछे आगे बढ़ो और एकदम पास पहुंच जाओ, तो आप फैमिली रेस्ट्रिक्शन दबाव के चलते भाई नौकरी कर लेनी तो जिंदगी भर यही कर, तो वो सब जब छोड़ देते हो आप एकदम पास आके किसी आपके सपने से, तो जिंदगी भर वो आपको सपना सताता रहता है। उसके बाद हमेशा पेरेंट्स या वही चाहते हैं कि उनके बच्चे के वो सपना पूरा करे, तो ऐसे में जब महावीर सिंह पोखर की 4 सिर्फ बच्चियाँ होती है तो वो सोचते हैं कि यार अब लगता है मेरा गोल्ड का सपना कभी पूरा नहीं होगा, तो वो अपना जो भी गोल्ड नेशनल जीते थे, नेशनल चैंपियन जीत चुके थे महावीर सिंह पोखर, वो अपना गोल्ड निकाल के पेटी में बन के रख देते हैं, राइट। तो ये वो रख देते हैं। उसके बाद ये कुछ सीन्स आपको वैसा भी लगेगा जैसे सुल्तान में सलमान खान का लगा, वो सब जो भी चीज़ें एकदम मोटी हो जा रही सब रख देते हैं, तो भी गया भाड़ में कुछ मतलब नहीं है लाइफ का मेरे, तो उसी तरह से आमिर खान भी एकदम बोलते चलो ठीक है कुछ मतलब नहीं। फिर अचानक एक ऐसा दिन आता है जहां पर बबीता और गीता पोखर मतलब घर पे थे, यंगर वर्जन सुहानी भटनागर और जायरा वसीम दोनों घर पे, मतलब आमिर खान पता चलता है कि यार कुछ तो गड़बड़ उनकी वाइफ बोलने आती है, तो पता चलता है कि
दो लड़के लोग बहुत पिटे हुए हालत में खड़े रहते घर पे, और जो बच्चे हैं तो उनके माताजी आते हैं, पिताजी आते हैं, यार हमारे बच्चों को मार दिया इसने। सो सब आमिर खान सीधा जाके वो लड़के को पीटता है जो उसका आई थिंक चाचा का लड़का रहता है, मतलब आमिर खान का जो भाई है उनका लड़का रहता है, तो उसको पीट देता है, यार क्यों मारा इन दोनों को। तो फिर बाद में उसके उनकी वाइफ बोलती है, साक्षी तनवर आमिर खान की वाइफ, कि यार इसने नहीं मारा है, तुम्हारी दोनों बेटी ने मारा है, गीता और बबीता ने। तो जो हरियाणवी टोन है वो बहुत बढ़िया है इस फिल्म का। और फिर गीता भगत, अरे हम मतलब फिर बताती है, मन्ने कमी नहीं है, कुत्ती कह रहा था इसको, ये कह रहा था, तो ऐसे ऐसे मारा। तो फिर आमिर खान के मन में आइडिया क्लिक होता है, आपको पता है आमिर खान है आगे महावीर सिंह पोगाट। तो महावीर सिंह पोगाट पूछते हैं कैसे मारा तन्ने मंजे, कैसे मारा मतलब। फिर बच्ची लड़की को बताते हैं ऐसे हाथ उठाया, ऐसे मारा, ऐसे कोनी मारी। तो फिर उसको याद आता है कि यार पहलवान ही तो खून में होनी चाहिए। और कहने उसकी वाइफ से बोलता है आमिर खान अपनी वाइफ से कि मैं पहले से ही ये सोचता था कि लड़का होगा तो गोल्ड लेके आएगा, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा कि गोल्ड तो आखिर गोल्ड होता है, चाहे लड़का लाए या लड़की। ठीक है, आपको बता दूं कोई भी सपना आप जब देखते हो उसके अगेंस्ट में लोग अपने आप चले जाते हैं, जब वो सपना बहुत बड़ा हो और जब आपको पूरी सोसाइटी से अलग होना पड़ता है, कुछ अलग ही रास्ते पे जाते हो, तो बहुत प्रेशर होता है। और ऐसे में अक्सर लोग उस सपने मतलब लोग ये नहीं चाहते, देखिए लोग आपका भला तो चाहते हैं लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि वो कुछ अलग कर ले, ताकि है ना सब कोई चाहता है कि कोई आगे ना निकले, तो ये एक प्रेशर रहता है। और कहीं ना कहीं उस दौर में बिलाली जो उनका गांव है हरियाणा में, आई थिंक माफ कीजिए, तो बिलाली गांव में कहीं ना कहीं जब लोग देखते हैं कि दोनों बच्चियां भाग रही निक्कर में, और उसके बाद उनके बाद में फिर दोनों बच्ची लोग बोलते हैं यार हम नहीं करने वाले हैं, हमसे नहीं होगा, फिर कुछ भी अलग अलग बहाना बनाते हैं, बोलते हैं यार बाल हमारे खराब हो जाते हैं ऐसा वैसा। तो आमिर खान उनको लगता है शायद उनके पिताजी मान गए, अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर आमिर खान बुलाते हैं नाई को, पूरा बाल कटा देते दोनों बच्ची का। फिर दोनों बच्ची लोग कॉलेज स्कूल जाते हैं, मतलब किस तरह से उनकी मतलब आसपास सब हंसते हैं, मतलब दिखाया गया कि लोग कितने नैरो माइंडेड है, एक थॉट प्रोसेस से लेके चलते हैं कि मतलब जमाना जिसे चलता आया है सदियों से वैसे ही चलता रहना चाहिए, महिलाएं अगर बनी है तो वो चूल्हा में रहनी चाहिए, शादी करनी चाहिए जिन्हें उम्र में, तो इसी तरह से उनका लाइफ होना चाहिए, कुछ अलग ना करे। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट की है डायरेक्टर ने, जहां पे डायरेक्टर ने बताया है कि अगर आप सपने आपके बच्चों से भी देखते हो, आपके बच्चे के सपने पूरा करेंगे, लेकिन आप उन्हें फर्क मत समझो चाहे वो लड़का या लड़की हो क्योंकि आपको बताया था मैंने इसके पहले रिव्यू में जो बाकी रिव्यूज के दौरान, और मैंने एक जो 5 रीजंस टू वॉच दंगल बताया था, उसमें मैंने बताया था कि इंडिया को इस साल गोल्ड मेडल, सॉरी गोल्ड मेडल नहीं, जो भी दोनों मेडल मिले हैं वो दोनों फीमेल रेसलर ने ही दिलाया है, तो ओलंपिक मेडल, तो आप समझ सकते हो मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ। मतलब आपको भरोसा रखना पड़ेगा आपको खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों पे चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसमें फर्क अगर आप करोगे तो आप खुद ही को मतलब उतना मतलब इंडिया को कैसे आगे बढ़ेगा जब अगर आप फर्क करोगे, तो ये सब चीज़ है। तो फर्स्ट हाफ में फिर बबीता और गीता को समझ में आता है कि वो कितनी गलत थी, उनके पिताजी कितने सही थे कि वो उनके लिए एटलीस्ट सोचते तो है। उसके बाद 1 घंटे तक पूरा बच्चियों का रोल है, वो बहुत कॉमेडी और बहुत ड्रामा वाला है। हराम वो गाना भी है ना एक हराम खोर बापू, कुछ तो नाम है गाने का, हानिकारक बापू, सॉरी हराम खोर नहीं, हानिकारक बापू बहुत बढ़िया सॉन्ग है। 1 घंटे होने के बाद एक रेसलिंग लड़ने लगती है और कहीं ना कहीं थोड़ा फेमस होने लगती है। उसके बाद बच्चों का रोल चला जाता है सीनियर जो यंगर वर्जन है, क्या बोलते हैं एक नॉर्मल 18-19 के एज वाले आ जाते हैं करेक्टर में, यानी कि फातिमा शना शेख जो सानिया सॉरी जो गीता पोगाट का रोल प्ले कर रही है, और दूसरा बबीता कुमारी का रोल प्ले कर रही है सानिया मल्होत्रा, ये दोनों पिक्चर में आ जाती है। फिर यहाँ से फिल्म और ज्यादा ग्रिप में पड़ जाती है। फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग है और फनी थोड़ा है, सेकेंड हाफ बहुत ज्यादा इंटेंस है, इमोशनल तरह का है। आप कहीं ना कहीं आपको बता दूं जो एंड वाली फाइट जो दिखाई गई है वो फैब्रिकेटेड है या रियल है, ठीक है,
क्योंकि सेमीफाइनल तक तो चलो ठीक है समझा, लेकिन मैंने हाल ही में फाइनल फाइट देखी ओरिजिनल कॉमनवेल्थ गेम्स की, जहाँ पे रशिया की जो खिलाड़ी को हराती है वो सीधे सेटों में हराती है, गीता पोघाट रियल लाइफ में पहला 0-1-0 से उसको हराती है सेट में, ना तीन होते ना तीन राउंड होते हैं, पहले में 1-0 से हराती है उसे और दूसरे राउंड में 7-0 से कुछ हराती है। तो दो राउंड दिखाए गए, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं, फिल्म में तीन राउंड दिखाए गए हैं। फिल्म में पहला राउंड जीतती है गीता पोघाट, दूसरा हारती है, तीसरा जीतती है, वो भी एक जो एक मूव रहता है उसे घुमा के फेंकने जिसमें 5 पॉइंट मिलता है उससे। तो थोड़ा सा सिनेमेटिक लिबर्टी ली गई है, लेकिन वो बिल्कुल जरूरी भी है, तभी ऑडियंस को थोड़ा एक्स्ट्रा मजा, अनोखा मजा आता है। तो इस हिसाब से चीजें दिखाई गई है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया डायलॉग है। एट द एंड एक ऐसा सीन है, ऑफकोर्स बाकी बीच में भी मूवीज के आप जरूर होंगे अगर आप सही में फिल्मों के मतलब बॉलीवुड के मूवीज के फैन हैं। और एक सीन ऐसा आया जहाँ पे आमिर खान को लॉक कर देता है, मतलब कोच के जरिए, कोच ना लॉक करवा देता है किसी के जरिए ताकि वो क्रेडिट खुद लेके हाँ मैंने कोचिंग दिया ऐसा ऐसा, तो आमिर खान को लॉक करवा देता है बाथरूम में कहना कि किसी जगह पे बाथरूम में नहीं किसी जगह पे लॉक करवा देता है। तो आमिर खान जा नहीं पाते, मतलब मैच देखने आखिरी मैच जो बच्चे का रहता है वो देखने नहीं जा पाते क्योंकि फंस जाते अंदर ही और कोई आसपास रहता भी नहीं कि उसे खोले। और वहां पर आमिर खान को बहुत परेशान होता है क्योंकि किसी की सपने को जो दिखा रहा है उनका पिताजी, वो चाहते हैं कि वो जो फाइनल मैच जहाँ पे वो जीते वो उन्हें देखना नसीब हो, लेकिन वहाँ पे वो नहीं है उनकी बच्ची का सपोर्ट करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक मोमेंट दिखाया गया एट द एंड ऑफ द मूवी, जहाँ पे जब जीतते तो आपको पता ही है कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 72 कंट्रीज पार्ट लेते हैं, अगर कोई भी कंट्री जीतती है तो टॉप 3 कंट्रीज के झंडे लहराए जाते हैं, तो नेशनल एंथम प्ले होता है और जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, नेशनल एंथम प्ले प्ले होता है हमारा। और इतना बढ़िया तरह से प्ले होता है नेशनल एंथम कि उसका जो म्यूजिक है, उसका जो धुन है वो आमिर खान के मतलब पास पहुंचता है, सुनाई देता है उन्हें, और कहीं ना कहीं आमिर खान भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और जो मोमेंट आप वो देखोगे ना, जब देखो देश के लिए कोई इंसान कुछ करता है या कुछ जीतता है तो उससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं होती है, वो मोमेंट आमिर खान के चेहरे पे देखते बनती है, वो जो रोना है वो अगर आप अगर देख के ना रोए तो फिर फिल्म देखना छोड़ दो भाई, कुछ मतलब नहीं है। माफ़ करिए मैं बैठ के जनगणना मना बोला उसके लिए, पर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया फिल्म है और देश के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी फिल्म है, महिला सशक्तिकरण जिसे कहते हैं, हर हाल के हर चीज़ों के हिसाब से बहुत ही अच्छी फिल्म है। मैं भूलते भूलते मुझे भी ऐसे लग रहा है आंसू आ जाएंगे, इतनी अच्छी फिल्म है। और आपको ये फिल्म देखनी है और देखिए जाके सिनेमा हॉल्स में, दिल खुश हो जाएगा, एक क्रिसमस गिफ्ट आप समझ जाइए इसको, आमिर खान की तरफ से न्यू ईयर का गिफ्ट समझ जाइए, बहुत बेहतरीन फिल्म है। मैं तो चाहूँ तो बोलता रहूँ मैं आधे घंटे तक आज बोलता रहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, बस इतना कहूँगा कि बहुत बढ़िया फिल्म है, डायलॉग्स बहुत अच्छा है। एक डायलॉग बहुत अच्छा है कि देख गोल्ड जीतेगी तो मिसाल बन जाएगी और मिसाल कभी भूली नहीं जाती, ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रखता है यार, लिरिसिस्ट जिसने लिखा है मतलब जो राइटिंग किया है तो सैल्यूट करना चाहूँगा, मतलब मिसाल बनो तो एक ऐसी बनो को जिसे लोग याद रखे, सिल्वर मेडल जीतोगे या ब्रोंज तो कोई याद नहीं रखता भूल जाता है, तो गोल्ड मेडल जीतो तो आई थिंक मैं भी इमोशन हो गया बोलते बोलते, क्योंकि मुझे कई ऐसा दफ़ा आया फिल्म में जहाँ पे मैं रो दिया। और साक्षी तन्वर का भी मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, साक्षी तन्वर जो उनकी वाइफ पर रोल प्ले करी बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने भूमिका निभाई है, ओवरऑल A to Z ना आपको कुछ कमी नहीं लगेगी, बहुत अच्छा है। म्यूजिक प्रीतम का दिया गया हुआ है, आमिर खान भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को को प्रोड्यूस कर रहे हैं और नितेश तिवारी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। एक फाइनली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अब रिव्यूज की जो बोलते हैं रेटिंग की, मैं रेटिंग में इसमें 19-20 नहीं करूँगा, 5 में से 5 स्टार दूंगा और उसकी काबिल है, उसकी हकदार है फिल्म। और अगर सुल्तान आपको पसंद आई है तो सुल्तान से 2 गुना ज़्यादा आपको ये फिल्म आमिर खान की पसंद आएगी, इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको अपडेट करते रहूँगा, चलिए तब तक के लिए बाय बाय। दंगल है दंगल है।